फैसल नमस्ते। मैनेज जी नमस्ते सर। फैसल अपने विषय में बताइए, जाने का मौका मिल रहा है, आपकी नौकरी मिलने की प्रक्रिया कैसी रही, जरा मुझे विस्तार से अपना अनुभव कहिए। सर मैं श्रीनगर से हूँ और मुझे जूनियर असिस्टेंट की जॉब एनआईटी श्रीनगर में मिली है। फैमिली में पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। सर जहाँ मेरी रिक्रूटमेंट हुई है एनआईटी श्रीनगर में, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। इस जॉब के लिए 2 राउंड रिटन टेस्ट और 1 राउंड स्किल टेस्ट का लिया गया और मैं ओवरऑल उससे खुश हूँ और हम ओवरऑल मेरिट पे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है पिछले रोजगार मेले में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद मैं आपसे आज सीधा बात कर पा रहा हूँ। मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। इन्होंने मुश्किलों को ही फैजल जी सरकारी नौकरी मिलने के बाद राजू अपने बारे में आपको कुछ आज आपको लेकर, क्योंकि आप अपने परिवार में भी पहले हैं जो सरकारी नौकरी मिली है। मेरा नाम राजू कुमार है, मैं तो आपके आसपास जो नौजवान है, मेरे पापा जी किसान हैं, उनके मन में क्या विचार आते हैं जब आपका ये प्रगति देख रहे हैं? मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। सर नेचुरली बाकी यूथ भी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं और होपफुली मेरी इस कामयाबी से वो भी इंस्पायर होके सरकारी नौकर समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरी ही तरह गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इंस्पायर हुए हैं। और मैंने हमेशा अच्छा फैजल आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे। अच्छी जगह अच्छे उस प्लेटफॉर्म पर इसके लिए मैंने आपको कितनी मदद मिली, व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? अभी जूनियर इंजीनियर पे हूँ और मैं जी सर नए ज्वाइनिंग के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है जो जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड ऑफ बिगिनर्स एंड एक्सेल पे कोर्स किया है जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सर मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा जिसके बदौलत मैं आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। और इतना जज्बा दिख रहा है कि मुझे बड़ा, आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के और असली आवाज है। आप रोना धोना छोड़, जम्मू कश्मीर का युवा विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आप जैसा आपने कहा सेटल होना चाहता है। अच्छा बताइए, आप जैसे युवाओं की मेहनत से ही कश्मीर कैसे हुई विकास की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचेगा। आरआरबी जेई का और आपको मेरी सलाह है कि मैंने आरआरबी अपने कौशल का विकास करते रहे। मैंने फॉर्म भरा इसके बाद, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल गई इसलिए कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, ये तो शुरुआत। मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, निरंतर अपने आप को ऊपर उठाना, नई नई चीजों को सीखना और मेडिकल हो गया तो अवसर भी अनंत आते रहते हैं। पैनल किया गया और चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं।